Hello students, welcome to my channel Creative and Critical Sunny. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर कॉन्टैक्ट्स। बच्चों आज मैं नीट एग्ज़ाम 2020 के बारे में बताऊंगा कि नीट एग्ज़ाम आप बिना कोचिंग कैसे क्रैक कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है और यह डॉक्टर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। इसका सिलेबस होता है 11th एंड 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बच्चों आज यहाँ पे हम फिजिक्स पार्ट को डिस्कस करेंगे। यह आपको बच्चों पता होना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक शर्त होती है कि आपको एग्ज़ाम का नेचर पता होना चाहिए और उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी या प्लानिंग बनाई है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे हम। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होते हैं, ड्यूरेशन 3 आवर्स, सेक्शन 3, MCQ ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है ये। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन सिमिलर, केमिस्ट्री के 45 एंड बायोलॉजी के 90, जिसमें जूलॉजी के 45 एंड बोटनी के 45 क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट पे आपको 1 नंबर आपका कट जाता है। तो आपका स्कोर हुआ 180 into 4 यानी 720। बच्चों बिना कोचिंग लिए आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, क्या प्लानिंग की है, मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूँगा। मैंने 3 लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं। जो लेवल 3 होगा इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ये टॉपिक आपके सामने है, यूनिट एंड डायमेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन ये आपस में डायरेक्ट लिंक है। तो इसे बॉडी डायग्राम का वो एक्सेलरेशन एंड टेंशन वाला फॉर्मूला आपको पढ़ लेना है। पुली वाला जो फॉर्मूला है वो आपको पढ़ लेना है। सर्कुलर मोशन में आपको बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह का फॉर्मूला आपको पढ़ लेना है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ड्यूल नेचर वगैरह ये आपको पढ़ लेने हैं। किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके डायरेक्ट फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं बस। ऐसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो बच्चों आप ये मत सोचना कि ये टॉपिक तो मुझे आते नहीं तो सर ने लेवल 3 में क्यों रखे हैं। बच्चों मैंने पिछले 20 साल के पेपर एनालाइज किए हैं और मैंने ये देखा है कि इन टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी घुमा फिरा के या कन्फ्यूजिंग आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। एक तो टॉपिक और भी हैं जिस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। तो जैसे फर्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट से, वे ऑप्टिक्स मैं आपको डिफ्रैक्शन एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बस 2 टॉपिक करने हैं आपको, ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ना है आपको वे ऑप्टिक्स। ऐसे सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स में आपको सभी डायोड्स की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्किट डायग्राम आपको पढ़ लेने हैं। ऐसे लॉजिक गेट्स में सभी की ट्रुथ टेबल, बुलियन अलजेब्रा वगैरह सब पढ़ लेना है एंड हीट ट्रांसफ़र के बारे में भी आपको पढ़ना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बच्चों अब मैं लेवल 2 का जिक्र करूँगा। जो लेवल 2 में है इसमें थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर एक हो जाता है तो दूसरा चैप्टर भी अपने आप हो जाता है। ऐसे वर्क एनर्जी पावर, इसमें वर्क एनर्जी जो थ्योरम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें इंटीग्रेशन टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसलिए मैंने इनको लेवल 2 में रखा है। सेंटर ऑफ मास, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में अल्फा बीटा डीके, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ वगैरह ये आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो भी मैंने टॉपिक बताए ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने हैं आपको। अब मैं लेवल 1 है होगा इसमें हायर ऑर्डर स्किल्स से आएंगे क्वेश्चन। तो जो लेवल 1 है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको 170+ आपको मार्क्स लेने हैं। तो लेवल 1 के लिए आपको पहले लेवल 2 वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपको आने चाहिए, क्योंकि इनका भी यूज होगा आगे। और वो कोई भी एक, बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स टफेस्ट पार्ट होता है
नीट एग्ज़ाम में। अगर आपने इसमें स्कोर कर लिया तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए लेवल जो वन के क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो है रोटेशनल मोशन, फ्लूड मैकेनिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स एंड रे ऑप्टिक्स। बच्चों इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मार्क्स तो वही 4 नंबर का आएगा, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होंगे, थोड़े इसमें यूज होगा हायर ऑर्डर स्किल्स का, थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में लॉजिकली थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने इनको लेवल वन में रखा है। अगर आपको लेवल वन भी आप कर लेते हो तो आपको 170 प्लस या 180 मार्क्स कोई आपका रोक नहीं सकता। जो लेवल वन के वेटेज है वो 22-40 मार्क्स की है, लेवल टू की 42-60 मार्क्स और लेवल थ्री की 100 मार्क्स की है। और आपको अगर तीनों लेवल आपका क्लियर हो जाता है, पढ़ लेते हो आप तीनों, तो आपको 180 प्लस आपके फिजिक्स में आ जाएंगे और आप डॉक्टर बन जाओगे आसानी से। तो फिजिक्स पार्ट आपको करना ही है, कोई छोड़ना नहीं है। आपको मुश्किल लगता है लेकिन आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब जो स्ट्रेटजी जो प्लानिंग मैंने बनाई है जो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगी, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के जो क्वेश्चन आते हैं वो 12th क्लास से आते हैं, इसलिए आपको 12th क्लास में ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि उसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखिए आप, मैकेनिक्स 8, ये जो मैंने ग्राफ दिया है आप पढ़िए, मॉडर्न फिजिक्स से देखो, ये पिछले सालों से क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, ध्यान से देखिए आप ये ग्राफ, बड़ा इम्पोर्टेंट ग्राफ है ये। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपको ये सब पढ़ने हैं आपके आराम से। थर्ड पॉइंट है, आपको ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 11th से आएंगे और हायर ऑर्डर स्किल्स अब मैंने बताई दी आपको 12th से आएंगे, ठीक है बच्चों। कंपटीशन आपका केवल 30% लोगों से ही है, बिकॉज 70% लोग तो सीरियस ही नहीं होते, वो बस एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया और अपना काम चला लिया, बस ऐसा ही होता है। आपको बच्चों 650 प्लस का टारगेट रखना ही है और आपको प्रीवियस पेपर सोल्व करने ही हैं। स्टडी मटेरियल देख लो आप, अभी जो एनसीईआरटी मेन टेक्स्ट बुक है वो पढ़नी है आपको, एच सी वर्मा की बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक है, पढ़नी ही है आपको। एस एल अरोरा ये न्यूमेरिकल्स के लिए बताई है मैंने बुक, डी सी पांडे ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, बाकी आपको ऑनलाइन मॉड्यूल मिल जाएंगे वो आपको सोल्व करने हैं। रीडिंग टाइम थोड़ा रखना है आपको, प्रैक्टिस टाइम ज़्यादा रखना है, रिवीजन के टाइम आप क्वेश्चन सोल्व करवाओ, ज़्यादा रिवीजन में ज़्यादा थ्योरी वगैरह मत पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करो, तो आपका नीट एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। और आप ये बात ध्यान से सुनो, IIT या JEE लेवल के क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करने हैं, आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और आपको मोटिवेटेड रहना है, कोई नेगेटिव बंदा मिले तो उसको इग्नोर करो आप, आपको हमेशा ये सोच लेना है कि मुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं डॉक्टर बन गया, दिन में सपने भी नहीं देखने हैं आपको, ठीक है। अच्छी तरह तैयारी करो और मैं आशा करता हूँ तो कि इस बार आपका नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। एंड मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो नीट एग्ज़ाम के बारे में डालता रहूँगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, थैंक यू सो मच।